जीवन देने वाली गंगा, मोक्ष देने वाली गंगा। इस बार यूपी में किसका बेड़ा पार करेगी, ये गंगा किनारे बसे वोटर भी तय करेंगे। तो जनता का मूड भांपने के लिए चुनाव आज तक की टीम हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर पहुंची है। गंगा किनारे के इस घाट से करते हैं शुरुआत, जिसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। हापुड़ जिले का आखिरी छोर गढ़मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर अपनी पौराणिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ गंगा किनारे लोग मुक्ति के लिए आते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह एक नए तरीके की युक्ति बन जाता है। राजनीतिक सूरमा यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पर 3 दशकों से दोनों पार्टियों में कांटे की लड़ाई होती रही है। अगर यहाँ के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ जाट, गुजर, मुस्लिम, राजपूत और जाटों का एक अलग तरीके का प्रभुत्व है, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर पूरा ग्रामीण इलाका कहलाता है। लेकिन इस बार जनता के लिए गंगा किनारे वोटरों का क्या मूड है, उसको यहाँ से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इनमें हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है। गढ़मुक्तेश्वर में नाव पर सवार आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों से जाना कि वो इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे। वोटर गंगा किनारे वाला के मन की बात जानने के लिए आज तक की टीम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पहुंची हुई है। यहाँ पर गंगा कितनी साफ हुई है, क्योंकि यहाँ के बारे में ये बोला जाता है कि गंगा मोक्षदायिनी है। यहाँ ये भी बोला जाता है कि ये मिनी हरिद्वार है। अब इस इलाके में किस तरीके से गंगा साफ हुई है या फिर विकास किस तरीके का हुआ है, यहाँ जनता का मूड जानते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और 2022 के चुनाव में इनकी क्या स्थिति रहेगी। ये बताइए कि 2022 जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या स्थिति होगी और आप लोगों की क्या मांग है, जनता क्या चाहती। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर गढ़ विधानसभा सबसे पीछे है। 70-75 वर्ष हो गए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी शिक्षा और चिकित्सा के लिए या तो बच्चों को, लड़कियों को जाना पड़ता है 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर। और आज भी वही, ना यहाँ डिग्री कॉलेज है, ना कोई इंटर कॉलेज है और ना ही किसी प्रकार का जो है आपके अच्छा कोई अस्पताल है। महिलाएं प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती हैं, वो प्राथमिक चिकित्सा चाहिए तो उसके लिए उन्हें 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। और रही बात 2022 के चुनाव की, तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम उन्हें जो है क्या नाम चाहते हैं कि अब के इसी साल अब के भी वो एक बार आए। क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे यही रहेंगे कि अच्छा विकास होना चाहिए गाँव में। जैसे गाँव से जुड़े हुए गाँव है उनमें भी रोडें बननी चाहिए। जैसे क्या अब कच्चे रास्ते पड़े हैं, कुछ लोग दिक्कतें आती हैं अभी पड़े हैं गाँव में, तो उन वो भी पक्के होने चाहिए। और सरकार अच्छी है, सरकार में कोई वो नहीं है, विकास करा सरकार ने, जितना भी विकास करा इस सरकार ने करा। हमने तो इस सरकार में देखा कई रास्ते ऐसे थे जो नहीं हो पाए थे हमारी विधानसभा में। हमें बताऊंगा आप, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है ऐसा कोई विकास, ऐसा नहीं है जो विकास आप कह रहे हैं कि विकास। आप ब्रजघाट की स्थिति को देखिए, जो कोकक हमीद जी ने यहाँ विकास कार्य के लिए चालू करे थे कार्य, उनके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। एकमात्र मोदी जी, योगी जी 3 बार आए हैं, उन्होंने 3 बार में 2 पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ भी आज जो है जर्जर स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि विकास हुआ है, विकास की स्थिति सड़क देख लीजिए, यहाँ की ब्रजघाट की सड़क देखिए, यहाँ का शमशान घाट देखिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो है उनको देखिए। कोई ऐसा सारे बने हुए थे, नहीं ऐसा नहीं है, सारे बने हुए थे। ये जो सामने घंटा घर है ये भी अभी इसी सरकार में बनाई है। घाट बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ लेजर शो है, फुब्बारा है, यहाँ से दूर दूर दिल्ली तक के लोग यहाँ, भाई साहब सुन लीजिए, दिल्ली तक के लोग यहाँ आते हैं, स्नान करने आते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह पतित पावनी माँ गंगा है, यहाँ की पवित्रता और निर्मलता आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ कोई गंदगी नहीं, आज से 5 साल पहले यहाँ पॉलिथीन पड़ी रहती थी, लोग प्रसाद आते थे तो उनकी नैपकिन या जो भी दोने होते थे वो गंगा जी में तैरते रहते थे। आप दूर तक देख लीजिए, कैमरा दिखा दीजिए एक बार,
कोई देखने को मिल जाए तो मैं बता दूं, यही विकास होता है भाई साहब। अगर आप ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास पहली सरकारों ने किया, आज तक कोई, अब कोई विकास नहीं है, तो ये क्या है फिर? अब कोई आप इस चीज को क्या कहेंगे? ये दो टंकी थी, इस सरकार में एक टंकी गिर गई, ये दूसरी टंकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता खुद ही अपने बारे में यहाँ पर बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने कदम बढ़ाया है। दूसरे लोगों से जानते हैं, ये बताइए कि स्थिति आप लोग किस तरीके से देख रहे हो, इस आने वाले चुनाव को आप कैसे देखते हो, मूड क्या है? नहीं, यदि हम गंगा के बीच में बैठे हैं और गंगा के बीच में बैठ के झूठ तो बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। तो मैं ये सत्य कहता हूँ, आज तक किसी सरकार ने इस गंगा की तरफ को कभी देखा? इस गंगा को नाला बना दिया था। यहाँ के डीएम एसडीएम से हम शिकायत करते थे, तब वो भी कहते थे यार ये हमारा काम नहीं है। इस सरकार ने ये काम बहुत अच्छा करा है और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सरकार किसी की है नहीं, नहीं, गंगा स्वच्छ है और स्वच्छ गंगा में आज हम आचमन कर सकते हैं। पहले इसमें नहाने की भी हिम्मत नहीं होती थी हमारी, लेकिन शिक्षा की तरफ से मैं नाराज हूँ। प्राइवेट शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश सरकार में बिल्कुल दुखी रहे, कोरोना टाइम पर लोग अपने किराए का मकान नहीं दे पाए, वो बच्चों का दूध का पोषण पोषण नहीं कर पाए, सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा कि ये लोग घर से गाँव से शहर की तरफ गए, इनका इनका खर्चा कैसे होता होगा। गढ़मुक्तेश्वर में इन्होंने बताया कि प्राइवेट टीचर विकास उस टाइप में नहीं हुआ, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हम धनौरा विधानसभा में रहता हूं मैं, हम लोग जब ट्यूबवेलों पर पानी चलाने के लिए जाते थे तो हमको डर लगा रहता था, हमको ये खतरा रहता था कि हम घर वापसी जाएंगे नहीं जाएंगे। हमारे ट्यूबवेलों के स्टार्टर चोरी हो जाते थे, मोटर चोरी हो जाती थी। पहले समाजवादी की सरकार में जो गुंडे होते थे, हमें ये डर लगा रहता था हमारे गोली ना मार दी जाए। हमें बड़ा अच्छा सुरक्षित महसूस होता है कि आज बीजेपी की सरकार में हम सुरक्षित हैं और हम अच्छी तरीके से सुबह 7 बजते हैं तो अपने घर जाते हैं, तो अपना ट्यूबवेल का पानी चलाकर हमारे घर को लगता है कि हमारा बेटा आ गया है। पहले हमें डर लगा रहता था कि कोई गुंडा ना आ जाए, हमें गोली ना मार दे, हमें ऐसे पेट में धक धक सी होती थी कि हाँ भाई हमारी अब जो है योगी सरकार, अब गुंडा जो है किसी की हिम्मत नहीं है, योगी सरकार में किसी के साथ बदतमीजी कर दे। विकास कार्य हुए जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आई तो एक अच्छा माहौल देखने को मिला, कानून व्यवस्था अच्छी देखने को मिली, शासन अच्छा देखने को मिला और विकास कार्य भी देखने मिले हैं। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा सपा बसपा में गुंडागर्दी, लूट, चोरी, डकैती देखने को मिलती थी, उसका उदाहरण आप देख रहे हैं आज योगी सरकार में। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां सलाखों के पीछे हैं, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। क्या मूड है इस बार जनता का? इस बार जनता का मूड जो है, जैसे व्यापारीकरण के लिए कुछ भी नहीं कहा है 4.5 साल की सरकार में, सबसे बड़ा क्षेत्र में इस बात का व्यापारियों में रोष है कि इस बार जो सरकार ने व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के हित के लिए कोरोना की मार झेलते हुए व्यापारियों का काम फेल होने का कारण, और व्यापारियों के लिए ना तो योगी जी ने, ना मोदी जी ने, किसी भी सरकार ने, सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने किसी भी व्यापारी को कोई राहत नहीं दी है। ना बिजली का बिल माफ करा, ना बच्चों की फीस माफ करी, ना GST माफ करी, मतलब कोई टैक्स माफ नहीं किया है और शोषण किया गया है व्यापारी। गढ़मुक्तेश्वर सीट से फिलहाल बीजेपी से कमल सिंह मलिक विधायक हैं। इन्होंने 2017 में अखिलेश की सरकार में राज्य मंत्री रहे मदन चौहान को हराया था। मदन चौहान ने 2002, 2007 और 2012 में इस सीट से विधायक बनने की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन 2017 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। ग्रामीण आबादी वाली इस सीट पर जाट, राजपूत, गुर्जर, जाटव और मुस्लिम आबादी का प्रभाव है। गढ़मुक्तेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद है, ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। यहां के लोगों से बातचीत में यहां के सियासी हालात खुलकर सामने आ गए। हमारे साथ विकास के मुद्दे हैं, जैसे हमारे रास्ते सड़कें हैं जिनमें काफी गड्ढे हैं, आज तक भी कुछ काम हुआ है, लेकिन जितनी हमें उपेक्षा थी, जिस हौसले से बीजेपी को लाई थी जनता यहाँ पे और बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ के विधायक जीते थे, उतना काम नहीं कर पाए। इस बारे में तो जी, इस सरकार में तो बिल्कुल विकास हुआ ही नहीं, जैसे रास्ते पहले थे उससे बहुत ज्यादा घटिया हो गए हैं, और जो पहले सरकार ने काम किए हैं वो बिल्कुल इस सरकार में हुआ ही नहीं काम, बहुत ज्यादा पीछे चली गई ये सरकार। इस सरकार से सारी पब्लिक यहाँ की परेशान है और हम चाहते हैं कि, और महंगाई के भी बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, हर आदमी परेशान है। इस बार का चुनावी मूड क्या होगा? देखिए, वोटर जो है वो स्वतंत्र है वोट देने के लिए, हम वोट राजनीति के चक्कर में अपने भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नेता यहाँ आके हमारे किसी भी काम नहीं आता, क्यों हम अपने आपस में भाईचारे को खत्म करें?
हमको आपस में रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे पीना है, तो राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध खत्म ना करें। विकास हम जिसको भी लाते हैं यहाँ, सभी आके दिखा जाते हैं कागजों में विकास। विकास जो होगा वो जमीनी स्तर पे ही होगा, जब होगा तो दिखेगा भी। बिल्कुल, विकास अगर होता है तो जमीनी स्तर पर होगा। यहाँ से हमने एक बार फिर नाव की सवारी की, 8 से 10 किलोमीटर दूर तिगरी पहुँचे, जो हापुड़ का बॉर्डर है। कानों में गीत संगीत गूंजा तो सियासी सुरताल भांपने का भी मौका मिल गया। गंगा किनारे वोटरों का हाल जानने के लिए आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची हुई है जहां पर महिलाओं का खास तरीके का प्रतिनिधित्व है। महिला वोटर आखिर किस तरीके से यहां के बारे में सोचती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है, इन चुनावों में महिलाओं को खास तरीके से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये महिला वोटर क्या सोचती है, हालांकि यहाँ पर ये गाना बजाना कर रही है गंगा किनारे बैठ करके, इनसे जानते हैं कि क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा, क्या है चुनावी मुद्दा इस बार का। भैया, इस बार का चुनावी मुद्दा भी हमारा कमल का फूल है। भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित, पहले बनी थी कम सीटों से, अब की बात 400 सीटों से बनेगी। ये अवसर है, लोकतंत्र का पर्व हम कहते हैं और हम भारतीय उत्सव प्रिय हैं, तो लोकतंत्र का पर्व अगर हम मना रहे हैं तो बाद में शिकायत का मौका, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, क्या हमें देना ही नहीं चाहिए? इसमें हमें पूरे अपना मतदान जो है, हमारे पास इस समय पावर है और इस पावर का हम उपयोग करें। किसे चुने का उत्तर में हम मैं और मेरा की बजाय अगर राष्ट्र देश और देश हित के बारे में सोचेंगे तो फिर हमें किसी को उंगली नहीं उठानी पड़ेगी कि इसने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने। विकास की गंगा बहाने के दावे हर बार चुनाव में किए जाते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी रहती है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर यूपी के अमरोहा में ऐसे दर्जन भर गांव हैं जहां कोई अपने बेटे या बेटी की शादी करना नहीं चाहता। आजादी के 74 साल बाद भी यहां पुल नहीं बना। चकनवाला गांव के लोग अब भी नाव से नदी पार करते हैं, चुनाव से पहले अब जाकर पुल बनना शुरू हुआ है। 70 साल बाद भी ये दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर ऐसी जगह है जहां पर अभी भी पुल नहीं है। दाहिनी तरफ अपने दिखाना चाहूंगा कि यहां पर पुल निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन गांव वाले लोग जो हैं अभी भी ऐसे ही नाव के जरिए इस पार से उस पार आते हैं। इनकी नैया कौन पार कराएगा ये यहां पर देख करके ही साफ जाहिर होता है। दरअसल इस नाव के जरिए ये लोग अपनी बाइक और इसके अलावा जो दूसरी सामान है वो किनारे तक लेकर के पहुंचते हैं। गंगा से कुछ ही दूरी पर, यानी गढ़ मुक्तेश्वर से कुछ ही दूरी पर मौजूद ये एक नहर है और इसको पार करना गांव वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। माना यह जा रहा है कि यहां से करीब 12 से 13 गांव उस पार हैं जहां पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और सभी गांव वाले इसी नाव के जरिए इस पार से उस पार आते हैं। कोई गरीब गुरबाई कर देता है, जब देने गुना शादी भी ना होती है और काम समारो सब, हम लोगों को सहायता करो, यहाँ डूब जाते हैं साली ना, दो एक मौत हो जाती है यहाँ। बाइक लेके जाते हैं 24 घंटे के ही काम, दिन भर 10 बार भी उतरते हैं तो इसी के साथ उतरते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा। पानी उनी बाढ़ अब तो क्या थोड़ा बहुत कम भी है, जब पूरा बाढ़ आ जाता तो इतने पानी में टंकी बराबर पानी भरता, जब भी यहीं कर लेके जाते हैं। मजबूरी है, कोई परेशानी हो जाती बच्चे को या किसी को परेशान बूढ़े को, यहीं कर लेके जाना पड़ता है मजबूरी, कंधे पे बैठा बैठा के लेके गए हम। मेरी 32 साल की उम्र है, मैं तो 32 साल से ही इस नाव पे आना जाना कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग जो थे वो भी इसी नाव के सहारे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आते रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र की मेन समस्या जो ये पुल है, इस पुल को कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, कितने विधायक बने इस क्षेत्र से, मगर किसी ने हमारी इस मेन समस्या पे ध्यान नहीं दिया। यहीं पर एक अस्थायी पुल बनाया जा रहा है ताकि इस जोखिम को कम किया जा सके। है, इसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी कि पिछले कई सालों से यहां पर लोगों को दुख दर्द था, 10 से 12 गांव ऐसे हैं जो काफी परेशान हैं। क्या खास समस्या है और कब तक ये पुल यहां बन करके तैयार होगा? ये पुल जून 2022 तक का टारगेट हमारा बनाने का है, तब तक पूरा कर बना के दे देंगे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि दिल्ली से 100 किलोमीटर के दूर और यहाँ 70 सालों से लोग नावों से आ जा रहे हैं। उसका रीजन ये रहा कि बर्ड सेंचुरी की वजह से परमिशन नहीं मिल रही थी बनने की पुल को। अच्छा।
और ये विधायक जी ने काफी प्रयास किया तो परमिशन मिल गई है। पक्षी अभयारण्य होने की वजह से यहाँ विकास की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं मिलती थी। यहाँ के विधायक ने इस इलाके को अभयारण्य से मुक्त कराया और अब जाकर ये पुल तैयार हो रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, गढ़मुक्तेश्वर, आज तक।